हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का मेरे चैनल पे आज के इस मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी के साथ। आज का नाश्ता रेसिपी बनेगा चावल से। दोपहर के टाइम लंच के बाद थोड़े चावल बच जाते हैं, या फिर हम ऐसे भी कभी चावल बनाए वो बच गए हैं तो उन्हें फेंकना नहीं चाहिए, उससे हम बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बचे हुए चावल को ग्राइंडिंग जार में डाला और इसमें 1 कप सूजी और 1 कप दही भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब बस इनको बढ़िया से एक पेस्ट की तरह ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए बहुत ही स्मूथ एक बैटर, गाढ़ा सा बैटर रेडी हो जाता है। इससे इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से रहेगी, एकदम बारीक इसको ग्राइंड कर लेंगे। और अब मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर ली हूँ। बहुत ही बढ़िया से हमारे टेस्टी से नाश्ते की रेसिपी बनेगी आज, आपको ज़रूर पसंद आएगी फ्रेंड्स। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और बहुत इजी भी होगा इसे बनाना। तो 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रख देंगे और फिर 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे तो थोड़ा सा ये और गाढ़ा हो जाएगा पहले से, जिसके लिए हमें इसमें पानी डालना है। थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, तो आधा कप के लगभग मैंने इसमें पानी डाला और फिर मिक्स कर लिया। आधा चम्मच नमक भी मैंने डाल दिया है और इसको बढ़िया से मिक्स कर ले रही हूँ। तो इस प्रकार से एक बढ़िया सा हमें स्मूथ बैटर मिल जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, जैसे डोसा बैटर होता है ना वैसे ही। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट बैटर रेडी है। अब तवे को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है और इस पर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करना है। किसी कॉटन से या फिर टिश्यू पेपर से इसको रब करते हुए बढ़िया से पोंछ लेना है फ्रेंड्स। यहाँ पे गैस का फ्लेम कर देंगे लो और ये बढ़िया सा बैटर हम स्प्रेड कर देंगे तवे पे, जैसे डोसा डालते हैं वैसे ही सेम प्रोसेस से हम इस पे डालेंगे कुछ इस तरीके से। अब इसको मैं 1 मिनट के लिए ढक दे रही हूँ। गैस का फ्लेम लो ही है यहाँ पे और फिर जैसे ही 1 मिनट होगा फिर ऊपर इसको ढक्कन हटाएंगे और ऊपर इसके हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। और यहाँ पे गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है। धीरे धीरे देखते ही देखते साइड से ये गोल्डन ब्राउन होने लगेगा और तवे को किनारों से छोड़ने लगेगा। ये देखिए बहुत ही अच्छे से बढ़िया से नीचे से ये पूरा पक गया है। तो अब हमको आराम से हल्के हाथों से इसको पलट देना है। ये देखिए दूसरी साइड से भी पलट देना है। ऊपर का लेयर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन दिख रहा है। ये ऊपर से बहुत ही कुरकुरा सा बन गया है। दोनों साइड से प्रॉपरली हमें उलट पुलट करके अच्छे से सेक लेना है। तो बस टेस्टी सा हमारा बचे हुए चावल से डोसा बन जाएगा। ऐसे ही करके मैंने बैटर जो बनाया था उससे ढेर सारे डोसा बना के रेडी कर लिया फ्रेंड्स। और यकीन मानिए बहुत ही स्वादिष्ट बने थे, टेस्टी बने थे और बिल्कुल भी कोई मेहनत नहीं, कोई पहले से तैयारी नहीं, झटपट बन के एकदम जालीदार टेस्टी से डोसा तैयार हो गए थे। इसको हम नाश्ते में सर्व कर सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे लगेंगे खाने में। चटनी के साथ, सांभर के साथ या फिर मसाला डोसा भी बना के खा सकते हैं। तो मैंने अभी एक प्लेन डोसा ही बनाया था और ये जो अब दूसरा डोसा बना रही हूँ ना इस पर मैं आलू वाला मसाला भी डालूँगी। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे डोसे बना लिए थे, बहुत ही अच्छे बनेंगे, परफेक्ट बनेंगे। आप भी बचे हुए चावलों से ऐसे ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। तो बस यहाँ पे मैंने प्लेट लगा ली है। मैंने इसे ग्रीन चटनी के साथ और सॉस के साथ सर्व किया था, बहुत ही टेस्टी लग रहे थे इसके साथ भी खाने में। तो बस अभी खाने के लिए तैयार है फ्रेंड्स। कैसी लगी रेसिपी कॉमेंट करिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। मैं अभी टेस्ट करके बताती हूँ कैसा लग रहा है। आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी है ये, बहुत ही परफेक्ट हमारा बचे हुए चावल से डोसा बन गया है। तो वाकई में बहुत ही टेस्टी लग रहा है। आप भी ऐसे ही बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए फ्रेंड्स। चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं। अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी और भी रेसिपीज़ के लिए।